हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी मस्त हूँ। एक नए अपडेट के साथ आप सबका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। जो नए नए यूट्यूबर हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो में हम दो चीज़ सीखेंगे। एक तो हम सीखेंगे कि यूट्यूब चैनल का जो हैंडल है उस हैंडल को कैसे क्रिएट किया जाता है, और दूसरा हैंडल किस तरह से काम करता है और कैसे यूज़ किया जाता है हैंडल का। तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि हैंडल को कैसे क्रिएट किया जाता है और हैंडल किस तरह से कार्य करता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी एक नया यूज़फुल वीडियो यूट्यूब में अपलोड करता रहूँ तो सबसे पहले आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन जाता रहे और आप बिना रुकावट मेरे वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पूरा वॉच कर पाओ। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और एक बात करना चाहूँगा कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, चलिए हम वीडियो पे चलते हैं। डिस्प्ले पे जाके हम देखते हैं कि यूट्यूब के चैनल का जो हैंडल है वो कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे यूज होता है यूट्यूब चैनल का हैंडल का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यूट्यूब स्टूडियो ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा और राइट साइड देखिए न्यूज़ और इट्स टाइम टू चूज योर हैंडल। तो चूज नाउ पे आपको क्लिक करना है। चूज नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देन आपको अपना चैनल का हैंडल क्रिएट करना है। इट्स टाइम टू चूज योर हैंडल, चूज हैंडल। तो मैं चूज हैंडल पे क्लिक करूँगा और मैं अपने चैनल का जो हैंडल है वो क्रिएट कर लूँगा। और हैंडल कैसे काम करता है और क्या होता है इस वीडियो में हम सीखेंगे। देखिए इसमें बता रहा है कि मेरा जो चैनल है उसका हैंडल ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं अपने मर्जी से हैंडल बना सकता हूँ। आप भी अपने मर्जी से हैंडल बना सकते हो। तो मैं अपने मर्जी से हैंडल बना लेता हूँ। देन उसके बाद इसका यूज़ कैसे होता है और किस तरह से होता है आप लोगों को लाइक दिखाऊंगा। तो मेरा जो पहले से ऑलरेडी हैंडल बना हुआ है वो है @easytechnic8037। इसको मैं अपने मर्जी से बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको कट कर लूँगा। कट करने के बाद अपने हिसाब से जो मुझे अच्छा लगता है उस हिसाब से मैं अपने चैनल का हैंडल क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसको मैं कट कर लेता हूँ। मैं मेरा जो चैनल है उसका हैंडल ये रखूँगा @easytechnic15। देखिए बना लिया हूँ। अब मैं इसको कन्फर्म सिलेक्शन पे क्लिक कर दूँगा। आपको भी कन्फर्म सिलेक्शन पे क्लिक करना है तो आपका हैंडल बन जाएगा, आपके चैनल का जो हैंडल है वो बन जाएगा। तो मैं कन्फर्म सिलेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। कन्फर्म सिलेक्शन पे क्लिक करते ही मेरे चैनल का जो हैंडल है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखिए आपको भी इसी तरह से क्रिएट करना है आपके चैनल का हैंडल। तो लीजिए योर हैंडल इज कन्फर्म्ड। मेरे चैनल का जो हैंडल है वो क्रिएट हो चुका है youtube.com/@easytechnic15। आप जैसे ही सर्च करोगे मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। कैसे होगा आप लोगों को मैं अभी लाइव दिखाऊंगा। अब हमको क्या करना है, गॉट इट पे क्लिक कर देना है। गॉट इट पे क्लिक करने के बाद मैं अभी चला जाऊंगा यूट्यूब में। यूट्यूब में जाके आपको लाइव दिखा देता हूँ कि हैंडल का यूज़ कैसे होता है। ये देखिए योर एडिशनल चैनल URL इज youtube.com/@easytechnic15। इसको मैं कॉपी कर लिया हूँ। कॉपी करने के बाद अब मैं YouTube में चला जाता हूँ। YouTube में जाने के बाद आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। लीजिए मैं YouTube में आ गया। YouTube में आने के बाद आपको मेरा जो हैंडल है, मेरे चैनल का जो हैंडल है उसको टाइप करके लाइव आपको दिखा दूंगा कि हैंडल का यूज़ करके भी आप अपने चैनल में जा सकते हो, या कोई भी आपका जो फॉलोअर्स है या फिर आपका जो सब्सक्राइबर्स है वो आपके हैंडल के जरिए भी आपके चैनल तक पहुंच सकता है। बहुत ही ईजी है। तो देखिए YouTube में मैं चला गया। YouTube में जाने के बाद अब मेरे चैनल का जो हैंडल है उसको मैं टाइप करूँगा। यहाँ पे जैसे ही टाइप करूँगा, टाइप करने के बाद जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। तो लीजिए मैं अभी यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। मेरा जो चैनल का हैंडल है वो था @easytechnic, उसके बाद 15। तो लीजिए www.youtube.com slash
एट द रेट इजी टेक्निक 15, एट द रेट इजी टेक्निक 15 मैं जैसे ही लिख के सर्च करूँगा मेरा जो चैनल है वो आपके सामने या मेरे सामने ओपन हो जाएगा। लीजिए 15, अब मैं सर्च करता हूँ, सर्च करते ही मेरा चैनल ये लीजिए अभी जो ओपन हो रहा है वो मेरा चैनल है। तो देखियो आप लोग भी इस तरह से अपना चैनल का अपने चैनल का हैंडल बना सकते हो और इस तरह से हैंडल का यूज़ कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगले किसी नए अपडेट के साथ, अगले किसी नए वीडियो में।